और पीपल्स पार्टी पर सिंध में तबाही मचाने का इल्जाम। सरबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं। वफाक हमारी उम्मीद को मायूसी में ना बदले। कराची के बाजारों में पानी जमा और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या सानेहात पर ही हुकूमत जागेगी? हुक्मरानों की तवज्जो कराची पे से हट गई। अब ना कोई बात है, ना कोई गुफ्तगू है। हमने मालूमात करा ली कि भाई कोई मीटिंग हो रही हो कुछ के ऊपर। आज भी कराची में, आज भी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे महू गुफ्तगू हूँ, इस वक्त भी कराची के बाजारों में पानी खड़ा है। हम पीपल्स पार्टी से मायूस थे, कोई बात नहीं, मायूसी चल रही थी। हम एमक्यूएम से मायूस थे, कोई बात नहीं। हम पीटीआई की हुकूमत, वफाकी हुकूमत से मायूस थे, कोई बात नहीं। पहली दफा कराची के लोगों को आर्मी चीफ के इंटरवेंशन के बाद पाकिस्तान आर्मी से उम्मीदें वाबस्ता हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, वो 1100 अरब रुपए का कराची को वो पैकेज देकर जा रहे हैं। बस जब जितनी मालूम कहते ना, आ गई आजाब है। हमें तो पता है कि ये पैकेजेस के क्या ड्रामेबाजी हैं सारी। हमें तो पता है कि पैसे पैसे कागजों पे नहीं आते।